अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी मैं दूसरा दिन है मेरा टर्की में, और अभी मैं सो के उठा हूँ तो मैं भी नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद फिर अपना आज का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी नीचे चलते हैं और नीचे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ अपने तरफ से सैलेड वैलेड बनाई है। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं और कोई टैक्सी वैक्सी बुलाएंगे या फिर देखेंगे बस वगैरह से, पब्लिक बस से। भाई अभी हम लोग बस तक जा रहे हैं और हमारी सांस फूल चुकी है और इतना अभी चढ़ना है, बहुत बुरे हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। भाई ये हमारी टर्किश बिल्लियाँ, जानदार। यहाँ की बिल्लियाँ डरती नहीं है भाई। साले का खोपड़ी तो हालात तो बड़े ख़राब लग रहे हैं, इस तरह की वाइब्रेशन हो रही है, हवादारी होगी आप लोगों को। तो गाइस हम लोग अभी कोई तुर्की की एशिया की साइड पे आए हैं, क्या थोड़ा सा देसी लोग हैं यहाँ, मतलब देसी से तो नहीं कहेंगे लेकिन मुस्लिम ज़्यादा हैं यहाँ पे, यूरोपियंस कम है। बहुत अच्छी मार्केट थी, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ली भी हैं यहाँ पे। या सोफिया पता नहीं कहाँ पे, मेरे ख्याल से वो मीनार दिख रहा है मुझे, वही है। लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक इनके एक जैसी कॉपियाँ भी हैं। हम गूगल मैप से देखते हुए जा तो रहे हैं। ये देखो ये पूरी मार्केट, तुर्की मार्केट है भाई, तुर्की पूरी की पूरी यहाँ पे भरी है। अभी यहीं से होते हुए जाएंगे। अच्छा भाई यहाँ सीन ये है कि रोड क्रॉस करते हुए ना बहुत देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये लोग ब्रेक नहीं लगा रहे। लस्सी ऐसे बनती है, लेकिन लस्सी ये लोग भी पीते हैं। मार्केट है पूरी। लड़के हैं, फैन फॉलोइंग करते हैं और ये सब एक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट जगह है। नहीं, इससे बेस्ट जगह भाई आपकी वो है जैनम मार्केट, वहीं जाएं आप लोग और वहीं से लें, कोई फायदा नहीं है। भाई बाइक चेक करो। ऐसी बाइक्स आपको अपने पाकिस्तान में कभी नहीं दिखेंगी नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे ये सब नॉर्मल है भाई। आठ मिनट 14 मिनट। हम लोग तकरीबन 10 बजे तक निकले, 10 बजे से निकले हैं और अभी तक हम लोग मेरे ख्याल से आस पास भी नहीं है, और अभी भी नबी 14-15 मिनट कह रहा है तो तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा हमें पहुंचने में, और यहाँ पे अभी 2 बज गए। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बड़ी टाइट है यहाँ पे, लेकिन इसका मसला ये है, मैं इसकी पूरी सीम बताता हूँ। मैंने इसकी ऐप भी डाउनलोड करी लेकिन इसका इशू ये है कि भाई ये आपको क्रेडिट कार्ड पे, और मेरा क्रेडिट कार्ड है नहीं मेरे पास, मेरे पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पे एक्टिव नहीं होता। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर करवानी पड़ेगी और वो उनकी ऐप पे जब होगी तो होगी, अभी नहीं हो रही है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है कि हो जाए, अगर ये हो जाएगी तो चलाएंगे इसको। अकेला आपको हर मोड पे मिलेगी आपको, जाके इलाज करो आप। ये दुकाटी, ओ हो क्या बात है, यामाहा M3 क्या कहते हैं इसको, पता नहीं है।
ही ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे, डिलीवरीज वगैरह ये वो। हमारे यहाँ तो इनको सुपर बाइक्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके लिए भाई है सुपर डिलीवरी बाइक्स है। तीन सौ साल पुराना टर्किश बाग। बात ये है कि यहाँ पे तकरीबन एक घंटे की हमारी कोई वेटिंग होगी, क्योंकि लाइन वगैरह बहुत लंबी है। काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद आखिरकार हम बस पहुंचने वाले हैं म्यूज़ियम के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। चलो भाई हम गेट तक तो आ गए, अब अंदर जाएंगे। तो भाई हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ गए। यहाँ पे अंग्रेज़ों को भी भाई स्कार्फ पहना दिया है बस। और अभी हम लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। सब बिल्डिंग्स के पुराने पिलर्स जो थे वो हैं टूट गए हैं। जो कितने साल पुरानी है वो। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, जो मोस्ट फेमस प्लेस है टर्की की, जो कि हर बंदा आके टर्की में वीडियो बनाता है, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अभी हम अपने शूज वगैरह सब उतारने होंगे। नमाज हो रही है। बहुत बड़ा प्लाजा है, बहुत बड़ा प्लाजा है। وسيرت الجبال فجاءت
كانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا. खाना खाएंगे और मेरा मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई है और सबसे प्लस अच्छी बात क्या है कि मैं पावर बैंक भूल के आ चुका हूँ तो हो सकता है कि मैं आगे व्लॉगिंग ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे मोबाइल में 2% बैटरी है और अभी उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ और हो सकता है कि अभी भी किसी वक्त भी बंद हो जाए। अभी देखो भाई पड्डा हो गया भाई पड्डा हो गया भाई कुछ नहीं था वो सफाई करने वाला था उसने उनको हटाया क्या कहते हैं जो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना बैगर जो थे ना उनको हटाया था भाई। हम लोग एक होटल पे आए असल में हम लोग को थकन बहुत हो गई थी और हमें चला नहीं आ रहा था तो हमने बोला भाई जो करीब में जो भी होटल है तो वहीं पर खा लें तो यहाँ पे कोई है पता नहीं क्या सुल्ताना है मैम पता नहीं कॉफ़ी इनके पास सिर्फ यही चीज़ अवेलेबल है ये नहीं ये कोफ्ते और तब उक्सेस भाई हमारे यहाँ भी कोफ्ते कहते हैं इनके भी कोफ्ते कहा जाता तो ये दो चीज़ें हैं जो अभी आएंगी हमारे पास हम खाएंगे अब जब तक मेरा मोबाइल डेड नहीं होता तो मैं बना लूँगा वरना फिर डेड हो जाएगा तो मस्त अल्लाह हाफिज़ चलो भाई।